मेरा नाम साहिल सिंह लगे, मैं जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस का। आज जो युवा कांग्रेस कंबाइंड एनएसयूआई ने आज प्रदर्शन किया है, जिस प्रोटेस्ट को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी, जो छात्र संगठन कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा लीड किया गया। पर आपने देखा होगा उनको पुलिस ने घसीट के अरेस्ट डाल दिए। आज का जो हमारा मेन मुद्दा, जो आज का प्रोटेस्ट था, वो ये था कि आज के दिन इस निकम्मी सरकार ने हमारी जम्मू कश्मीर राज्य को, विशेष राज्य को जो दर्जा था, इसको यूपी में तब्दील करके इन निकम्मों ने वो तोहफा दिया आज के हमारे लोगों को। उसके बाद जो लोग इन्होंने वादे किए थे चुनाव में कि हम रोजगार देंगे, जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देंगे, इन निकम्मों ने उनको रोजगार देने की बजाय जो पहले के रोजगार लोग थे, लाखों लोग रोजगार थे, उनको बेरोजगार किया। इन्होंने इस प्रशासन ने, खासकर जम्मू कश्मीर प्रशासन, जो कि भारतीय जनता पार्टी की कठपुतलियों पर चल रहा है, इन्होंने आम नागरिक का गला इस तरीके से घोट दिया है कि कल को कोई आदमी, अगर आम आदमी उठना भी चाहेगा और आगे अपनी जिंदगी सफल करना चाहेगा, वो नहीं कर पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनके दो दो मेंबर पार्लियामेंट, जो निकम्मे नेता जो आज दिल्ली में बैठे हैं, कल के उन्हीं के पार्टी के नेता विक्रम दावा जी कहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कभी जितेंद्र सिंह का नाम ले रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को तख्तों पे इसलिए नहीं बुलाया गया कि अब आम आदमी का, जनता का गला घोटेंगे। आपको इसलिए बुलाया गया था कि आप हमें रिलैक्सेशन देते। आपने 100 बार आंकड़ा कर दिया पेट्रोल का, डीजल का साहब, इसलिए आप लोगों को वोट नहीं दिए थे। आपने गैस के चूल्हे इतने महंगे कर दिए हैं, आम जनता ने, इसलिए आपको वोट नहीं दिया था। तो मेरा ये कहना है कि आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी ने, आज का जो दिन था, वो एक काला दिवस है हमारे जम्मू कश्मीर लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया और उसके बाद जितने जितने हक इन्होंने छीने थे, कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, आगे भी जम्मू कश्मीर कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जैसे भी बोलेंगे, हम वैसे मार्गदर्शन में प्रोटेस्ट करते रहेंगे और जो हमारा हक होगा हम उसकी आवाज़ उठाते रहेंगे। धन्यवाद।